अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है गाइस? ठीक हैं? मेरा नाम है वलीद और छत पे बैठा था, आज व्लॉग बनाने के लिए सोच रहा था। तो थोड़ा शाम हो रही है, ठीक है, गोल्डन आवर चलने वाला है तकरीबन, ठीक है। तो DSLR ले आया था छत पे, सोच रहा था कि कुछ शॉर्ट बनाऊं, ठीक है। शॉर्ट मैंने कुछ वीडियो भी बनाया और स्टिल भी बनाए हैं। ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा पाकिस्तानी फ्लैग, दिस वन, तो इसका मैंने बनाया है सूरज के साथ, ठीक है। तो उम्मीद है, कोशिश मेरी है, इसको डालूंगा शटर स्टॉक के ऊपर, ठीक है। शटर स्टॉक पे इमेजेस बहुत सेल हो रहे हैं आजकल ऑनलाइन मार्केट, और ये बहुत पहले भी हो रहे थे। शटर स्टॉक पे आजकल इमेजेस बहुत सेल हो रहे हैं और बहुत पहले भी हो रहे थे, तो ये बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है जो फोटोग्राफर्स के लिए और वीडियोग्राफर्स के लिए भी। अब तो इसमें बहुत मिक्सअप हो गया हुआ है, ये फुटेजेस के अलावा भी अभी ऑडियो भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई बिगिनर है तो वो अपने फ़ोटोशूट जो है अपने यहाँ पर अपलोड कर सकता है। जो समझते हैं इंटरनेशनल लेवल पर हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर डालें। तो शॉट्स मैंने लिए हैं पाकिस्तानी फ्लैग के, ठीक है। और ये अभी हवा भी अच्छी थी, क्लाउडी है थोड़ा सा वेदर, और आज थोड़ी बारिश भी हुई थी, तो मौसम भी अच्छा है, अच्छा आसमान मिला मुझे, और एक हवा भी अच्छी चल रही है, और जो फ्लैग की जो वेविंग है वो भी बहुत अच्छी नज़र आई। तो मैंने उस पर कुछ बनाया, तो वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये है ना चीज़ का कैमरा, ठीक है, और इसको हम ऑन करते हैं, कुछ देखते हैं। ये बनाई थी वीडियो, खैर ये मैं आपको अभी एडिट करके दिखा दूंगा, मतलब अभी कंप्यूटर पे, अभी तो LCD पे आपको उसका फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, मतलब ये है कुछ इस तरह का, इसमें भी थोड़ी सी कलर इसकी एडिटिंग हो जाएगी ना, तो ये ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। ये स्टिल शॉट है, तो
ये मैंने मिक्स लिए हैं, ठीक है। इसमें अब पाकिस्तान का जो झंडा है वो कहीं पे उसका चांद सितारा नज़र आ रहा था, कहीं पे कटा हुआ, इसमें मिक्स है। तो अब मैं इसमें से रैंडम शॉट कोई निकालूंगा जिसमें अच्छा होगा, ठीक है। तो दिखाने का ये मकसद है कि वो बेचारे जो बिगिनर जो कि इस शौक में आना चाहते हैं फोटोग्राफी के, और इवन के ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं, ठीक है, तो वो अपना वेक्टर आर्ट भी सेल कर सकते हैं एज़ अ इलस्ट्रेशन, फोटो फोटोशॉप में अगर कुछ बना सकते हैं वो भी, इलस्ट्रेटर में कुछ भी, ठीक है। सिर्फ फोटोग्राफी की हद तक ही नहीं है, शटर स्टॉक और इस तरह की और भी मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। शटर स्टॉक का मैं इसलिए कहता हूँ कि ये ज़्यादा जानी मानी है और बहुत से लोग इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत से हमारे उस्ताद लोग भी कर रहे हैं, तो कुछ शागिर्द लोग भी कर रहे हैं, और इस पर बहुत अच्छी अर्निंग, और इसके साथ पेनियर का अकाउंट भी अटैच हो जाता है जो कि आप जैस कैश के थ्रू इसको विदड्रॉ कर सकते हैं। अच्छी एक साइड हसल है, ठीक है। साइड हसल वही है, पैसिव इनकम है। एक बार आपने चीज़ अपलोड कर दी, वो आपकी ताहयात जो है ना वो आप उससे कमाते रहेंगे जब जब वो डाउनलोड होगी या जब जब उसको कोई परचेज करेगा, ठीक है। तो ये एक साइड हसल है आपकी, इससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है मोटिवेट मैं यही कर रहा हूँ सबको कि कुछ कोशिश करें, इस पे करें काम, ठीक है। बहुत इसमें स्कोप तो बहुत है, ठीक है, स्कोप बहुत है इसके अंदर। आप अगर अच्छे ड्रोन के अच्छे फुटेजेस बना लेते हैं, अच्छी तस्वीरें उतार लेते हैं तब भी है, और इसके अलावा फोटोग्राफी वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं और बहुत सी चीज़ें। तो इस पे बहुत इजी भी है, इसका कोई वो नहीं है कि ये कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा, इतने सवाल सब यूट्यूब पे आप जाएं, ठीक है, और वहीं पर ही जाके आपके जो सवाल हैं ना, ठीक है, या शटर स्टॉक की हेल्प पे जाके भी आप कस्टमर सपोर्ट से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। और बस यही बताना था, और मेरा तो अकाउंट मैंने भी रिसेंटली बनाया था, अकाउंट तो पुराना ही था लेकिन जो एज अ कंट्रीब्यूटर मैं 2 साल पुराना हूँ इस पर, और मैंने अपने कुछ शॉर्ट्स इस पर डाले हुए हैं, ठीक है, उनमें से कुछ सेल भी हो चुके हुए हैं, और खुशी होती है, और अक्सर तो पता ही नहीं चलता। मैंने 2 माह बाद लॉगिन किया अपना अकाउंट और उसमें जाके देखा तो वहाँ पर लिखा आ रहा था कि मतलब इनकम वहाँ पर बढ़ चुकी थी, तो खुशी होती है इस तरह। तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जिन उस्तादों ने हमें इन काम पे लगाया, ठीक है, सिखाया, और जो मेरे एक उस्ताद थे वो बेचारे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मुदस्सर डार साहब, तो बस यादें रह जाती हैं। और कुछ मोटिवेशन जो है उन्होंने दी थी वो है दिमाग में, ठीक है। और आपसे भी अगर आप में कोई देख रहा है, सुन रहा है, ठीक है, तो यही है कि भाई कुछ कर लें, ठीक है, अपने पे इन्वेस्ट करें, अपने पे लगाएं, आज लगाएंगे तो कल उससे खाएंगे, ठीक है। और बस कुछ नहीं कहना था, बस यही था एक, लेकिन बस ये मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ सीखने की, ठीक है। कोई नाम के साथ डॉक्टर इंजीनियर लगाने से कोई माहिर नहीं बन जाता, ठीक है। और तो ये है कि इंसान हमेशा लर्निंग प्रोसेस में ही रहता है, ठीक है, वो अलग बात है। कुछ लोग मानते नहीं हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा कोई उस्ताद नहीं, हमने जो सीखा खुद सीखा है, वो अलग बात है। वो शायद मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे उस्ताद हैं एटलीस्ट, ठीक है, मैंने बहुत से लोगों से सीखा है। नाम लगाने बैठूँगा तो एक शायद किताब बन सकती है इन नामों पर कि उस्ताद इतने ज़्यादा हैं। हर जगह सीखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, और ये अच्छी बात है। लर्निंग प्रोसेस आपने बढ़ाना है तो हमेशा इसको सीखते रहें, कोई भी काम है, ठीक है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता, आपकी लाइफ के साथ साथ ये चलता ही रहता है, ठीक है। तो बस ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है, और इसका लुबे लुबाब यही था कि शटर स्टॉक एक फिल वक्त के लिए बहुत अच्छी मार्केट है, इससे अच्छी भी होंगी आपके, अगर होंगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें, ठीक है। वैसे हो सकता है उनमें से कुछ मुझे पता ही हो, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये अच्छी है, ठीक है, इस पे
लोगों की रिसर्च भी इस पर लोग करते हैं, लोग सर्च करते हैं इस पर, आके देखते भी हैं। तो इसके ऊपर जो है ना आप अपने इमेजेस डालें तो आपको अच्छा ही रिस्पांस मिलेगा। पूरा ग्लोबली लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे होते हैं और इमेजेस की क्वालिटी आपकी अच्छी है तो ज़रूर इस पर एक्सेप्ट होती है और सेल भी होती है, ठीक है। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। ये मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन आपको नज़र आ रही होगी, साथ ही वो ट्रेन एंटर हो रही है अंदर, तो और वो सामने है मंसूरा मस्जिद, ठीक है, इबादत रोड वाली। थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा देख लें, ये हमारे साथ वाले कुछ कबूतर उड़ाते हैं यहाँ पे, तो इनका कबूतरों का बड़ा शौक है इनको। मौसम चेक करें बस, और कुछ ना देखें। आसमान देखें, तो गाइस उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा ही लगा होगा। पहले भी एक बार अलविदा कह चुका हूँ, मैंने कहा एक बार फिर वीडियो बना के दोबारा से एक और अलविदा कह दिया जाए। तो चलें ठीक है, खुश रहें और सीखते रहें, सिखाते रहें और अपना लर्निंग प्रोसेस ख़त्म ना करें, उसको बढ़ाएं, ठीक है। और ये जज्बा आगे भी ट्रांसफ़र करें, जो सीख लिया उसको लेके कब्र में नहीं चले जाना, उसको सिखाना भी है, ठीक है। तो ये आपके पास एक अमानत है, ठीक है, तो इस अमानत को आपने हवाले करके जाना है, ठीक है। तो मेरी भी कोशिश यही है, जितना कुछ सीखा है तो वो ट्रांसफ़र करूं आगे, ठीक है, ताकि ये सदके जारी है, आप इसको सीखें, जो भी सीखा है आगे ज़रूर बता दें, वो आगे और बता दें। इस तरह ट्रांसफ़र होगा तो इल्म ऐसे ही बांटना है, तो ये नियत ना रखें कि यार मैंने तो 20,000 अपनी लाइफ में, मैंने कुछ लोग ये पोस्टें डाल रहे हैं कि जी मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी, मेरा करियर में 5 लाख लग गया, 10 लाख लग गया, तो क्या मैं फ्री में। मैं ही कह रहा था कि कोशिश ये करें कम से कम प्रोजेक्ट्स जो आप प्रोफेशनली पकड़ते हैं ना, वो तो आप पैसों में चले कर लें, ठीक है, लेकिन जहां बात आती है सिखाने की, ठीक है, तो कोशिश करें यार माकूल पैसों में, अगर आप लगता है कि पैसे लग रहे हैं सिखाने में तो लें ज़रूर, लेकिन माकूल पैसे लें, ठीक है, इतने नहीं कि यार आप उससे कमाई करना शुरू कर दें। कम से कम एटलीस्ट जब आप किसी को सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो इल्म जो है ना, कोशिश ये करें मोस्टली
कि अगर वैसे कर सकें किसी के लिए तो चलें अच्छी बात है, वरना पैसे लें तो जायज़ लें नाजायज़ ना लें। एक चीज़ 100 रुपये की है मार्केट में अगर दे रहे हैं और आपको लगता है कि वो 80 रुपये तक दी जा सकती है तो आप उसको 80 तक दे दें। ये ना करें कि जी हम 120 में देंगे तो बहुत अच्छी देंगे, ठीक है भाई आप क्या दे रहे हैं, यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, बस ये थोड़ी लगन नहीं है लोगों में, थोड़ा तो वो इंटेंशन नहीं दे पाते तो इस वजह से उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं, उनको कुछ सिखा दें, ठीक है। ये कौम कुछ बन जाएगी कल को तो नाम रोशन होगा मुल्क पाकिस्तान का, और कुछ नहीं है। तो बस अभी तक के लिए इतना ही है, मज़ीद देखूँगा इसके ऊपर, अगर टाइम मिला तो इस पर बनाऊँगा, लेकिन अभी मोस्टली जो है फ्रीलांसिंग ही चल रही है, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर काम हो रहा है। तो क्लाइंट्स वन टू वन बैठे होते हैं, उनसे बातचीत हो रही होती है, टाइम नहीं मिल पाता व्लॉगिंग वगैरह का, थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी है तो वो पेट्स व्लॉगिंग जो है आपने देखे होंगे, बर्ड्स के ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। तो यही है, चलें ये कोई वैसे नॉलेज तो नहीं कह सकते इसको, वैसे ही है कि चले सुकून के लिए आप देख लें, शायद कुछ आपको पता चले या आपसे मैं कुछ सीख लूँ, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि कमेंट्स में अगर आप लोग कुछ बताएंगे या कोई इनबॉक्स आके कुछ मशवरा ही करेगा ना, यार ये चीज़ आपने ऐसे बताई थी ये ऐसे हो सकती थी, तो वहाँ पे मेरी लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक मीडियम है, तो लर्निंग यहाँ पे मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर लें, ठीक है। तो बस चलें, बस चलते हैं, ठीक है, शाम हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियोस बच्चों की फोन से दूर रखें, वीडियोस ज्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें, बाजार से सेहत हुकूमत वली ब्लॉग्स।